वीडियो का विश्लेषण क्या होगा, जानेंगे कि 2022 में इन्वेस्टर का भरोसा किस कैटेगरी पे सबसे ज़्यादा हुआ है। इट मीन्स कि 2022 में सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्टर का यहाँ पे किस कैटेगरी में आता हुआ देखने को मिला है। हम ये भी जानेंगे कि सबसे कम पैसा किस कैटेगरी में आया है। इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में यहाँ पे 7 से 8 कैटेगरी के बारे में हम जानेंगे, आपके सामने मैं डाटा रखूँगा और समझेंगे कि इन्वेस्टर का भरोसा सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी में है। वीडियो के लास्ट में जो मैं हमेशा कवर करता हूँ, कल के वीडियो से एक कमेंट कवर करूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप में से कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर होगा, कितना हम पैसा लगाएं, कैसा एलोकेशन होना चाहिए, अगर आप म्यूचुअल फंड के सहारे कोई फिनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, अगर देखा जाए तो 2022 में सबसे ज़्यादा पैसा फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में आता हुआ देखने को मिला है। जी हाँ, ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ का इनफ्लो देखने को मिला है। ऐसे तो स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है लॉन्ग टाइम में, उसके बाद मिड कैप, लेकिन इन्वेस्टर का भरोसा यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में देखने को मिला है। अगर मैं 1 by 1 आपके सामने डाटा रखूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का इनफ्लो है ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ के करीब में है। अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूँ तो सेक्टर और थीमेटिक्स फंड में यहाँ पे पैसा आता हुआ देखने को मिला है 20,864 करोड़ के करीब में। ये सिर्फ 2022 का डाटा है। वहीं पर अगर मिड कैप की बात करूँ तो 20,550 करोड़ का इनफ्लो आता हुआ देखने को मिला है। अगर मैं चौथे नंबर पर बात करूँ तो लार्ज एंड मिड कैप है, 19,973 करोड़ का यहाँ पे पैसा आता हुआ देखने को मिला है। नेक्स्ट जो है वो स्मॉल कैप का है, 19,795, मल्टी कैप में 18,124, लार्ज कैप की बात करें तो 13,673 करोड़ का, फोकस्ड में यहाँ पे 11,766, ईएलएसएस कैटेगरी में 7,242, वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड में 6,667 और डिविडेंड यील्ड में 393 करोड़ का यहाँ पे इन्फ्लो आता हुआ देखने को मिला है। तो सबसे ज़्यादा जो भरोसा है, जो कि मैंने बताया था, फ्लैक्सी कैप कैटेगरी पे 2022 में सबसे ज़्यादा पैसा लगता हुआ देखने को मिला है और सबसे कम इनफ्लो, इट मीन्स कि सबसे कम भरोसा डिविडेंड यील्ड के फंड में देखने को मिला है। ऐसा क्या रीजन है जो फ्लैक्सी कैप में यहाँ पे पैसा ज़्यादा आता हुआ देखने को मिला है? देखो, कई ऐसे फंड हाउस ने फ्लैक्सी कैप लॉन्च किए थे, जी हाँ, यहाँ पे एनएफओ लेके आए थे और इसीलिए कलेक्शन ज़्यादा देखने को मिला है और इस रीजन के चलते भी यहाँ पे फ्लैक्सी कैप में इनफ्लो 2022 में आता हुआ ज़्यादा देखने को मिला है। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ, इन्वेस्टर का भरोसा वैसे फंड पे है जहाँ पे एक ही फंड में यहाँ पे आपका पूरा डाइवर्सिफिकेशन मिले, जैसे कि फ्लैक्सी कैप, जैसे कि मल्टी कैप। फ्लैक्सी कैप में सिर्फ एक पॉइंट होता है कि यहाँ पे फंड मैनेजर को मिनिमम 65% इक्विटी रखना ही रखना होता है और फंड मैनेजर के पास पूरा फ्रीडम होता है कि कैसे उस फंड में स्ट्रक्चर होना चाहिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वो फंड मैनेजर के हाथ में होता है। फ्लैक्सी कैप और मल्टी कैप का ऐसा कैटेगरी है जिसमें एक ही फंड के साथ आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है और शायद ये भी रीजन हो सकता है कि इन्वेस्टर का विश्वास यहाँ पे फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में ज़्यादा है और सबसे कम यहाँ पे डिविडेंड यील्ड, वैल्यू कॉन्ट्रा और ईएलएसएस कैटेगरी में देखने को मिला है। चलिए अब कल के वीडियो से एक क्वेरी कवर करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे जो क्वेरी है वो चंद्रा दत्ता जी के साइड से है। सर, यू ऑलवेज रिकमेंडेड HDFC सेंसेक्स प्लान इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स फंड, व्हाई नॉट UTI निफ्टी 50 एज वी हैव मोर एक्सपोजर हेयर कंपेयर टू सेंसेक्स प्लान। देखिए, मैं आपको अगर बताऊं तो मैंने कई बार आपके सामने ही ऐसे वीडियो पब्लिश किए हैं जिसके बेसिस पे आप समझ सकते हो कि सेंसेक्स जो इंडेक्स फंड है वो क्यों बेहतर है। देखो, अगर हमें इंडेक्स फंड ही सेलेक्ट करना है, वो भी लार्ज कैप बेस्ड इंडेक्स फंड अगर सेलेक्ट करना है, तो निफ्टी 50 मैं इसलिए एडवाइज नहीं करता हूँ क्योंकि निफ्टी 50 और सेंसेक्स में जब आप कंपेयर करोगे तो सेंसेक्स का परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इट मीन्स रिटर्न की बात कर रहा हूँ, निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पे कम रिटर्न देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मैं आपके सामने डाटा रखता हूँ जिसके बेसिस पे आप समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
देखो सेंसेक्स और निफ्टी 50 की बात करें तो पिछले 3 महीने में सेंसेक्स ने 1.53% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने 2.61% का नेगेटिव रिटर्न। तो इस 3 महीने में देखोगे तो ज़्यादा नुकसान निफ्टी 50 में देखने को मिला है। पिछले 6 महीने की बात करूं तो सेंसेक्स ने 1.28% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने 0.08% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो पिछले 6 महीने का भी डाटा देखोगे तो यहाँ पे सेंसेक्स पॉजिटिव में है, जबकि निफ्टी यहाँ पे नेगेटिव में है, तो डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर मैं सिर्फ 2023 की बात करूँ तो 2023 में सेंसेक्स में 0.43% का गिरावट देखने को मिला है, जबकि निफ्टी 50 में ज़्यादा गिरावट है 1.66% के करीब में। वहीं पे मैं एक साल का डाटा रखूँ तो निफ्टी 50 में 3.51% का सिर्फ रिटर्न है, जबकि सेंसेक्स में 5.23% का रिटर्न देखने को मिला है। चलिए अगर मैं लॉन्ग टाइम की बात करूँ, 5 साल के डाटा को देखूँ तो 5 साल में सेंसेक्स ने 78.76% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 में 70.91% का रिटर्न है। तो जितने मैंने ड्यूरेशन आपके सामने रखे उस ड्यूरेशन में आप ये तो समझ गए होंगे कि निफ्टी 50 में थोड़ा रिटर्न कम देखने को मिला है, जबकि सेंसेक्स में यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है। देखो 1% भी रिटर्न ज़्यादा है, 2% भी रिटर्न ज़्यादा है, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ऐसा क्यों हुआ है? देखो अगर मैं पिछले 3 महीने पिछले 6 महीने का डाटा देखूं तो डिफरेंस कुछ ज़्यादा देखने को मिला है सेंसेक्स और निफ्टी 50 के रिटर्न में। देखो निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा दबाव जो देखने को मिल रहा है वो 1 से 2 स्टॉक्स है, अदानी पोर्ट और यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेस, और ये दोनों स्टॉक्स जी हाँ सेंसेक्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ जो है निफ्टी 50 में गिरावट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दूसरा पॉइंट में अगर ऐड करूँ तो जहाँ पे कम स्टॉक्स होगा वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिलने के चांसेस हो सकते हैं। आप किसी पोर्टफोलियो में अगर 40 स्टॉक्स रखते हो और किसी पोर्टफोलियो में आपके पास 150 स्टॉक्स है तो रिटर्न आपको 40 स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए सेंसेक्स में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। इस 30 स्टॉक्स के साथ आप काफ़ी ईजिली अच्छा रिटर्न पा सकते हो, लेकिन निफ्टी 50 में स्टॉक्स की क्वांटिटी ज़्यादा है और कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है जिसका असर नेगेटिव होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है वो बेहतर नहीं है, लेकिन मैं जहाँ कंपेयर करूँ सेंसेक्स के इंडेक्स फंड से वहाँ पे आप देखोगे कि निफ्टी 50 परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा सा डाउन है। चलिए मैं आपके सामने कुछ और डाटा रखता हूँ। देखो परफॉर्मेंस के मामले में मैं अगर UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को HDFC इंडेक्स फंड से कंपेयर करूं जो सेंसेक्स बेस्ड है, सेंसेक्स बेस्ड वो 8.21% का रिटर्न दिया है, जबकि UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने सिर्फ 6.50% का रिटर्न दिया है। आप कोई भी निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड उठा के देख लो और किसी भी इंडेक्स फंड से सेंसेक्स बेस्ड से आप कंपेयर कर लो तो आपको ये ज़रूर डिफरेंस देखने को मिलेगा कि इंडेक्स फंड जो सेंसेक्स बेस्ड है उसका रिटर्न ज़्यादा है, निफ्टी 50 का जो इंडेक्स फंड है उसका रिटर्न कम है। इसीलिए मैं हमेशा यहाँ पे सेंसेक्स बेस्ड इंडेक्स फंड आपको एडवाइस करता हूँ। और कई बार आपको ये भी देखने को मिलेगा जो डाउन साइड प्रोटेक्शन है निफ्टी 50 का वो सेंसेक्स से थोड़ा सा कमज़ोर है, तो इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स है और इसलिए मैं एडवाइस करता हूँ। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेरी हो भेजिए कमेंट बॉक्स में, क्वेरी जनरेट करें। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब लाइक और शेयर तो अभी स्टार्ट करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।